क्या भगवान राम मांस खाते थे? तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है। क्योंकि एक बार भगवान श्री राम एक हिरण के मासूम से बच्चे को पकड़ने गए और लोगों को लगता है कि वो उसकी छाल का उपयोग करने या उसके मांस को खाने के लिए उसको पकड़ने के लिए गए थे। ये बात उस समय की है जब भगवान राम और माता सीता वनवास के टाइम अपने कुटिया में थे। तब माता सीता को एक हिरण का बच्चा दिखा। बच्चे को देखकर माता सीता के अंदर ममता की भावना जागी और उन्होंने भगवान राम जी से कहा, क्यों ना हम इस बच्चे को पाले। तो भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस बच्चे की माँ परेशान हो जाएगी और इस बच्चे को उसकी माँ से दूर करना गलत होगा। तो माता सीता ने कहा कि इस बच्चे की माँ मुझे आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो आप इस हिरण को थोड़ी देर के लिए मेरे पास ला दीजिए, जिससे कि मैं इसको थोड़ा खिला पिला सकूं और फिर हम उसको जंगल की ओर छोड़ देंगे। भगवान श्री राम उस हिरण के बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़े। हिरण का बच्चा कभी दिखाई दे रहा था तो कभी गायब हो रहा था। भगवान श्री राम तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण पशु नहीं है, ये एक मायावी राक्षस है। इस कारण भगवान श्री राम ने उसके ऊपर प्रहार किया, ना कि उसका मांस खाने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।